हेलो माय क्यूटीज, होप आप सभी सही होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो। सॉरी गाइस, मैं इतनी आराम आराम से बात कर रही हूँ क्योंकि एक्चुअली मेरा भाई सो रहा है यहाँ पे और मैं अभी अपना ऑफिस का काम कर रही थी और मेरी मम्मा ना बाहर गई हैं। आई डोंट नो क्या खरीदने गई हैं, बस ये बोल के गई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ मार्केट में, थोड़ी देर में आऊँगी। पता नहीं आज कितने पैसों फूक के आएंगी मेरी माँ। और ना मुझे अब भूख भी लग रही है इतनी ज़्यादा, लेकिन अब मम्मी आएंगी तो वही खाना बनाएंगी। और आपको पता है मैंने ना दोपहर की वो जो चाय होती है ना वो भी नहीं पी क्योंकि मम्मी चली गई थी और फिर अकेले अकेले तो मैं नहीं बना सकती, मतलब फिर बनाने का मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अकेले के लिए क्या बना के पीऊँ चाय। सो मैं फिर अपने काम पे ही बैठी हुई थी और काम कर ही रही हूँ मैं अभी। और गाइस इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, दिल्ली की ठंड आपको पता ही है कितनी ज़्यादा होती है। मैं तो ना अपने ना ही ना पूरी ना ऐसे बाजू ही ना इतनी ऐसे कर कर के बैठी हुई हूँ और ऐसे ही मैं सारा काम कर रही हूँ। और आपको एक फ़नी बात बताती हूँ, मेरे पास टेबल है जिस पे मैं अपना ऑफिस का काम करती हूँ, वो एक्चुअली आगे वाले कमरे में मैंने रखी हुई है, लेकिन वहाँ पे जब मैं चेयर पे बैठती हूँ ना तो इतनी ज़्यादा पैरों में भी ठंड लगती है और फिर फुल बॉडी पे इतनी ठंड लगती है। तो मैंने अब अपने ना बेड पे ही बैठी हुई हूँ कम्बल ओढ़ कर और फिर इस पे लैपटॉप टेबल रख के फिर उस पे मैंने लैपटॉप रखा है कि पैर तो थोड़े से सिक्योर रहें ठंड से, और हाथों का तो जो होना है वो होना ही है। ग्लव्स मैं पहन नहीं सकती क्योंकि फिर ग्लव्स पहनूंगी ना तो फिर कीबोर्ड माउस पे वो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और हाँ, मैंने अपने नाखून सारे काट दिए, मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैंने बड़े रोते रोते नाखून काटे लेकिन फिर मैंने सारे नाखून काट दिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक दो महीने में मेरे नाखून दोबारा ग्रो हो जाएंगे, फिर मैं अच्छी अच्छी से नेल पेंट लगा के इनको सुनने सुनने करके रखूँगी। अब देखो गाइस मम्मी कब आएगी, मैं अपना काम कर लेती हूँ। गाइस मम्मी आ चुकी है और ना मैंने कैमरा ना स्टार्ट कर ही रखा है। मम्मी से ना हम साथ में मिलते हैं, रुको मैं से उठ के आ रही हूँ। भागी भागी, ओ माय गॉड इतनी ठंड हो रही है मम्मी मेरी। मम्मी हेलो करो, भाई मम्मी आप में कौन सी जवानी जा रही है, धोती की सलवार पहन के घूम रही हो और आराम से ऐसे हैं? भाई बहुत ठंड है मम्मी, बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन आपको तो कोई ठंड लग नहीं रही। कराई पैसों का नाश कराई लगाया ये आग रोज लकड़ी में आग लगाती हो, आज पैसों में लगाया ही। वो तो हमें दिख ही रहा आपको कोई काम नहीं है बस। ओहो, लेकिन फिर जवानी के कपड़े पहन के क्यों चल रही हो इतने गर्मी के? जवानी के कपड़े भाई, कॉटन के कपड़े पहन के आप घूम रही हो इतनी ठंड में? दिसंबर कह रही हूँ मैं, जनवरी के महीने। फिर दिखा दो क्या ले हो। भाई मेरी मम्मी के ना सूट पेंडिंग थे सालगिरह के कि भाई रोहतक से लेके आएंगी, लेकिन इतने तो सब्र ही नहीं है मेरी माँ के, इतने में तो मेरी माँ यहीं से ले आई सूट। पहली बार मेरी माँ सूट लेके आई है यहाँ से। सही लगे आपको? बस ब्लैक ब्लैक कर लो इकट्ठे। हाँ सही है, और क्या लाइया? ये तो मेरे को किसी को देना है। ये ये इसकी चुन्नी है ऐसे, और ये है सुंदर है ना, सुंदर है, ये ब्लैक है। मैं सलवार बनवाऊं पैंट बनवाऊं? सही है, ऑल ओवर है ये ब्लैक, तो सब पे अच्छा लगेगा। मैं उसको दे दूंगी। हाँ भाई सकरात भी तो आ रही है, सकरात भी तो आ रही है। और
ये तो भाई मेरे को दे दो, हाँ टाइगर प्रिंट का, आजकल ना ट्रेंड में है ये एनिमल प्रिंट वगैरह ना, ये तो नहीं कौन सा टाइगर है, लेपर्ड प्रिंट है ये, प्यारा लग रहा नहीं जैसे लॉन्ग सूट बन जाएगा, ये तो मेरे को दे दो मम्मी, दे दोगी भाई, ये वीडियो चल रही है इसलिए मम्मी ने कही है कि हाँ दे दूंगी, यो मेरी माँ अपने कपड़े कभी नहीं देती ये, मेरे को ये ब्लैक कलर की पैंट बन जाएगी इसमें। सिर्फ से मालूम है गाइस, अब आप देख लेना अगर ये सूट मेरे ऊपर हुआ फिर इन्होंने मेरे को ये सूट नहीं दिया है। हाँ सही है, अरे इसी कॉर्नर पे भी सेम वही प्रिंट का है जो ये कुर्ते पे है, सही लगेगा मेरा भी। मेरे पास ब्लैक तो नहीं, तो बहुत सारी इकट्ठी हो रखी है पहले, लेकिन मम्मी पता है क्या सब ना होती तो है, लेकिन ना जो ना जिसकी होती है ना वो उस पे अच्छी लगती है, अब इस पे ये है तो ये इसकी अच्छी लग रही है। हाँ पिंक पिंक लाइट है, लेकिन ना ये कैमरे में डार्क सा नजर आ रहा है, वैसे गाइस ये लाइट कलर का एकदम। दिखाना कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा। सही है, आपको दुकान के बाहर खड़ा करते हैं ऐसे डमी में बनाकर ऐसे कहाँ दोबार। तो मम्मी क्या हुआ आजकल ना, ऐसा कुछ नहीं है, स्लिम ड्रीम या फिर भाई बिल्कुल फिट इंसान ही कुछ कर सकता है। कैसे लगे ये? सही लग रहे हैं। अच्छा, सही है, एक आपका हो जाएगा, एक मेरा हो गया और एक दिया जाएगा जिसको देना आपने। पसंद आ गए सूट आपको यहाँ के, वैसे पहली बार गए थे आप यहाँ पे? ठीक ही है, बस नॉर्मल डेली यूज के ये। हाँ वैसे भी पहनने के बाद ही पता चलेगा आप कपड़े का तो सही है। वैसे कपड़ा तो सही लग रहा है। सही है, फिर जाएंगे ठंड तो बहुत ज्यादा हो रही है, निकलने का ही मन नहीं कर रहा। अब बैठी मत रहो और अब ना इनको ही मत देखो बार बार, ठीक है? कुछ खाने पीने का बना दो अब मम्मी, भूख लग रही है। आपके बिना ना चाय भी नहीं पी मैंने। पता था मेरे को। क्या पता था आपको? तो चाय तो पी बना के। तो मेरे को आलस आ रहा था, फिर मैं अकेले अकेले क्या चाय बनाती। ये रिशु तो सो गया यहाँ पे रहा, ये देखो ये। और ये भूखा क्यों सोया, ये तो इसने तो बना के खा लिया। आपको पता नहीं आपका बेटा है कैसे, इसने तो बना लिया और खा लिया, मैं हूँ ऐसे। अब मैं तो तभी खाऊंगी जब आप बना के कुछ दोगे। चली गई हैं खाना बनाने के लिए और अब मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ क्योंकि मेरे बिल्कुल चैन नहीं है, मैं एक जगह ना शांति से नहीं बैठ सकती, और जब मेरी मम्मी घर पे आ जाए तो मैं उनके साथ पीछे पीछे ही रहती हूँ उनके। सो अभी मैंने अपना लैपटॉप थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है और ये रही मेरी मम्मी किचन में। क्या कर रहे हो मम्मी, सब्जी बना रहे हो? ये कुछ ज़्यादा नहीं है? इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, मेरे से ना कोई भी काम नहीं हो रहा।
कौन सा चाय वाला? चाय कहाँ? अच्छा वो मिला क्या? नहीं फ्रिज। अच्छा मेरे को ध्यान आया वो फ्रिज में रखा, उसमें मटर है। करना क्या आपने उसका? टमाटर करने हैं उसमें, लहसुन छीन ली यहाँ पे, ये अदरक का टुकड़ा काट, ये टमाटर बॉईल करने के बाद इसका अच्छा टेस्ट आएगा ना फिर। अच्छा फिर इनको फिर करोगी क्या इनका टमाटर बॉईल करके? पीस दूंगी इनको। टमाटर तो सही आ रहे हैं आजकल देसी। ये ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे? ना ना सारे डाल दो, आधे किलो होंगे। आप हर सब्जी में इतने ही डालती हो, फिर अब इसमें क्या ज्यादा होंगे? इतने ही डालती हूँ हर सब्जी में। अभी वो जो आपने वो दिन सब्जी बनाई वो पता नहीं किस चीज की थी, वो मैं कहती थी इतनी टेस्टी है, इतनी बढ़िया लग रही थी, वो खा के मजा ही आ गया। पनीर की खोया डाल के। हाँ वो उसकी और भी है, मेरे को तो नींद आ रही है। इतनी जल्दी कैसे नींद आ गई? बस मेरे को ना इतनी ठंड हो रही है, मेरा मन ऐसे कर रहा है बस कंबल लूं और मैं तान के सो जाऊं। इसका क्या फायदा है? इसका भी है कुछ फायदा। ये सही लग गया, हर दूसरे दिन टू ये हमारा घर का जुगाड़ है ये। तो देख, और ये जाएगा भी नहीं अब कहीं पे भी, लकड़ी का है ना, लकड़ी है ना ये। वही पता नहीं आज तो क्या हो गया, नींद आ रही है। गाइस मैं ना कंबल में आ गई हूँ और मम्मी अभी किचन में खाना बना रही है, और अभी तो मम्मी ने मतलब कि बॉईल करने के लिए रखी हैं सारी चीज़ें, तब वो बॉईल होंगी तो फिर मैं जाऊँगी आगे देखने के लिए किसे क्या मम्मी करेगी। इतने में आप थोड़ा सा ऑफिस का काम कर लेती हूँ और थोड़ा सा ठंड से बच लेती हूँ। हेलो गाइस, एक्चुअली ना अभी कोई घर पे आया है, सब सब्जी साइड में कर दी है, थोड़ी सी चाय बना रही हूँ। अब मम्मी बैठी हुई हैं अपनी गपशप कर रही हैं और मैं चाय पानी तैयार कर रही हूँ, और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। बस गाइस जल्दी से चाय बन जाए और मैं छान दूँ। गाइस चाय बन गई, मैं फटाफट रख लेती हूँ ट्रे में, अब चलती है। देखो देखो हमारे घर पे आज कौन आए हैं, ये लड्डू आए हैं। ओहो 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 लड्डू मम्मी के पास जाएगा, मम्मी के पास। हेलो, इसको तो भाई मम्मी चाहिए। दो दीदी दीदी दी। आहा आहा आज ये भाई। देखो मासी, आप हमारे घर पे हमारी लड़की आई है।
देखो मासी आपको कुरकुरा देगी। हाँ चोको खाने है कुरकुरे खाने है, बता दे मोक्ष क्या खाना है इसको? मम्मी को खानी है, मम्मी खानी है। हेलो मीनाक्षी। हेलो भूमि। हेलो। हम अपनी मामी के नाना के घर आए, बोलो बेटा बताओ। भाई ये हमारी मीनाक्षी दीदी हैं और ये हमारे पास कब से आ रही हैं? बताओ बताओ मीनाक्षी। काफी सालों से यही घर में, छोटी सी थी तब से शादी हुई जब मीनाक्षी इतनी छोटी सी थी, इतनी छोटी। दिखाएंगे किस दिन ना एल्बम खोलकर। सूट का भी कलर कौन सा था? कलर भी याद है मां? हां मजेंटा कलर का सूट था और हेयर बैंड भी वैसा ही था। कितनी फैशन में थी शादी के रुपया मोई थी क्या मोई थी जगदे में। तेरे तो याद भी कौन है? मेरे को मीनाक्षी की शादी याद है 30 या 31 जून को। हाँ। है ना? हाँ क्योंकि ना दो दिन बाद रिशु का बर्थडे आता है 2 जुलाई को। हाँ 2 जुलाई को तो मेरी बेस्ट फ्रेंड का भी बर्थडे आता है। मेरा शादी 2011 में हुई थी और उसके बाद मेरे 3 गिफ्ट है। बड़ा गिफ्ट मेरे पास बैठा है। हाँ, बच्चे हैं भाई। सबसे छोटा गिफ्ट ये है और बीच वाला गिफ्ट अभी आया नहीं है। वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हाँ ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ये दिल्ली के हैं। ओह माय गॉड हरियाणा के ठहरे, मौज मस्ती करने वाले। हाँ और मम्मी भी वहीं से है तो भाई मम्मी की सही मामी जी भी हैं। हाँ, और हरियाणा के भी तो होते ही मस्त हैं। बहुत ही अलग है। आज मम्मी की कहती 24 की 24 बत्ती चस रही है। 24 की 24 32 32 हाँ हाँ आज बेसिक लाइट बंद कर दी थारी अपनी मम्मी के दांत और मेरे दांत चास दिए। Oh my God. सही मजे ले रहे हैं ठंड में कंबल में। मम्मी भाई भाई हंसी मजाक बहुत हो गया, अब लग रही है भूख। अब मम्मी बना रही है खाना, फटाफट से बना दो मम्मी। दीदी आगे बैठी हुई है। क्या मम्मी क्या बोल रहे हो? उबल गई है? अच्छा पीसती है। अब भाई मेरी मम्मी की स्पीड आप देखना एकदम कुछ नहीं बता देना क्या खाता है ये, मैं वही मंगा दूंगी। भैया आज इतने टाइम बाद ना मजा आ रहा है, हंसी मजाक हो गई, सब उलट पुलट हो रहा है सारी चीज। मम्मी फटाफट लगी पड़ी है खाना बनाने के लिए। मैं काम कर देती हूँ, मम्मी इनको ना मैं साफ कर देती हूँ। पानी मैंने गर्म लगा दिया। हाँ हाँ मैं धो देती हूँ, पानी मैंने गर्म कर दिया बच्चे के लिए। ये सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, ये डाल देते हैं इसमें क्रीम। हाँ जो तो इतनी भाग भी है, भाग मेरी माँ ने बनाया है खाना है मम्मी। मम्मी ढाबा खुलवा दूँ आपका, मतलब फास्टेस्ट फास्टेस्ट खाना भी बना सकती हो आप, आराम से भी बना सकती हो हैं। फिर मेरा खाना तो हाँ फिर मेरा खाना तो फ्री होगा है। मेरे लिए मोक्ष हेलो
देख सारे दांत दिखा दियो मोक्षु ने तो है अपने। ओहो फोन चाहिए, फोन चाहिए, ऐसे करो फोन चाहिए। और ये भैया हमारी मीनाक्षी दीदी का बीच वाला क्या था गिफ्ट था भैया बीच वाला गिफ्ट ये है। ओ माय गॉड हंस के दिखा दे एक बार। नाम बताओ अपना, नाम बताओ, पूरा नाम बोलो। उलीदावा। पूर्वी ढंग से बोलो। उलीदावा। अच्छी तरह बोल। और आपके भैया का नाम क्या है? ऐसे नहीं करते बेबी, गंदी बात होती है। क्या नाम है आपके भैया का? मोक्ष डागर। मोक्ष डागर। मेरी बहन का नाम है भूमि। आप तो बहुत सुंदर हो है? है? पता आपको ये बात है पूर्वी? पता ये बात आपको? पूर्वी पता नहीं थी ना अभी तक। गाइस हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई, एकदम मस्त बना दी सब्जी। और यहाँ पे चावल बन रहे हैं अभी और सब्जी बन के तैयार हो गई है। और फिर अब हम आराम से खाते हैं। मम्मी बिल्कुल यूँ तो आपको वोट दिल में जाना चाहिए है मम्मी, गजब बनाती है। अब बस दाल को खिला दो। सच में हाँ ठाकुर साहब बैठ के खाने हैं? बैठ गए भाई सब खा लो। हमें तो एक कटोरी में दे दी अपनी देख है मम्मी। देसी लोग ऐसे ही खाते हैं। देसी लोग ऐसे ही खाते हैं ना हमने। और बोलो भूमि, नानी ने तो आज कुछ चाला पार दिया, इतनी मस्त सब्जी बनाई, इतनी तो शादी में भी नहीं है भूमि। थैंक यू भूमि बेटा। गाइस खाना पीना सारी चीज़ें हो गई हैं और अब हम बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं। और आज के लिए ब्लॉग में बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आज बहुत सारी मस्ती की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। था बाय, ध्यान रखो।